तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस और फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या आप किसी एथलीट, बॉडी बिल्डर या सेलिब्रिटी का वर्कआउट प्लान फॉलो कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि होता है ऐसा, ज़्यादातर लोग जब अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत करते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि किसी सेलिब्रिटी का वर्कआउट प्लान फॉलो करेंगे तो हमारी भी वैसी बॉडी बन जाएगी, वैसी फिजिक बन जाएगी। तो इस वीडियो में मैं वो सब चीज़ें कवर करूँगा और मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो छोटे में छोटा रखूँ और आपको काफ़ी कम ड्यूरेशन में पूरा कंसेप्ट समझा दूँ कि असल में आपको फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो अब चलिए ज़रा वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस बात को समझने के लिए ना आप लोगों को तीन चार कंसेप्ट की समझने की ज़रूरत है। बहुत छोटे कंसेप्ट हैं, आपको समझ आएंगे तो आपको पूरा आंसर इस बात का मिल जाएगा कि करना चाहिए फॉलो या नहीं। तीन टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, सबसे पहले वॉल्यूम, दूसरा इंटेंसिटी और तीसरा फ्रीक्वेंसी। तो शुरू करता हूँ वॉल्यूम से। तो दोस्तों वॉल्यूम का मतलब होता है कि आपके वर्कआउट में कितने नंबर ऑफ सेट्स और रेप्स हैं, वो होता है आपका वॉल्यूम। यानी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि आपके वर्कआउट की ड्यूरेशन कितनी है, तो वो है वॉल्यूम, जिसमें इंक्लूडेड आपके सेट्स, आपके रेप्स। तो ये सब मिलके बताते हैं आपका वर्कआउट वॉल्यूम। तो जितने ज़्यादा सेट्स और रेप्स होंगे आपका वर्कआउट वॉल्यूम उतना ज़्यादा होगा, उतना ही लंबा आपका वर्कआउट होगा। तो दूसरे टर्म की तरफ आता हूँ, वो है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि आप कितना वेट लिफ्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज के दौरान। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप सपोज़ रनिंग वगैरह करते हैं तो आप किस पेस के साथ रनिंग कर रहे हैं। आपका जितना ज़्यादा पेस होगा उतना ही ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होगी। आप जितना तेज़ भाग रहे होंगे उतना ही ज़्यादा इंटेंस आपकी रनिंग होगी। तो इंटेंसिटी का मतलब आप आसान भाषा में कह सकते हैं कि आपका वर्कआउट कितना ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है आपके लिए। तो वेट जो बंदा लिफ्ट कर रहा है उसमें भी नज़र कर सकते हो, और किस पेस पे वो बंदा रनिंग कर रहा है आप उसमें भी देख सकते हो। तो तीसरा कंसेप्ट आता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कह सकते हो कि आप एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कितनी बार टारगेट कर रहे हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आप हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे तीन कंसेप्ट, वॉल्यूम, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। तो हर वर्कआउट में ये तीन पार्ट होते हैं, तब जाके एक कंप्लीट वर्कआउट प्लान बनता है। और ऑब्वियसली क्योंकि एक वर्कआउट में आप ये भी डिसाइड करेंगे वेट कितना आप लिफ्ट करेंगे, आप ये भी डिसाइड करेंगे सेट्स और रेप्स कितने होंगे, ड्यूरेशन कितनी लंबी होगी, आप ये भी डिसाइड करेंगे हफ्ते में कितनी बार वर्कआउट करना है, एक मसल ग्रुप को हफ्ते में कितनी बार टारगेट करना है। तो ये सब मिलकर आपका एक तरह से एक वर्कआउट प्लान बनाते हैं। अब इन तीनों को डिसाइड करने के लिए ना आपको कुछ फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है, जैसे आपका लाइफस्टाइल और आपके गोल्स। अब मैं बात करता हूँ, अब यही बात आती है कि क्या आपको सेलिब्रिटी वर्कआउट प्लान फॉलो करना चाहिए या नहीं। तो उसका आंसर है नहीं। ऐसा क्यों, अब मैं बताता हूँ। मैंने जैसे तुम्हें बताया, तुम्हें लाइफस्टाइल देखना पड़ता है। अब आपका जो सपोज़ फेवरेट बॉडी बिल्डर है, आप सोच रहे हैं कि मैं उसकी तरह वर्कआउट लगाऊंगा तो मैं उसकी जैसा बन जाऊंगा, बट आप एक बार लाइफस्टाइल को कंसीडर कीजिए। पहली चीज़, वो बंदा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, उसकी एक तरह कह रहा हूँ डेली इनकम उससे चलती है, उसकी रोज़ी रोटी वहीं से चल रही है। तो उसके लिए वो एक काम है। आप जो हैं, या तो आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, एक कॉलेज, या फिर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो यानी 8-9 घंटे आप किसी एक फील्ड को दे रहे हैं, आपका करियर नहीं है बॉडी बिल्डिंग पूरा, और आपको बनाना नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह दिखें, तो ये कोई यार अनरियलिस्टिक सी बात हो जाएगी। उनका जो वर्कआउट ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा होगा, क्योंकि उनका वही काम है, बट आपके पास टाइम एक लिमिटेशन है। आप ऑफिस भी जा रहे हैं या फिर आप स्कूल में जा रहे हैं, तो टाइम लिमिटेड होता है। तो हम लोगों के पास हद मार के 1 से 1.5 घंटा होता है, हम इसी में वर्कआउट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हमें बॉडी बिल्डर अपने फेवरेट एथलीट के जैसा एक वर्कआउट प्लान फॉलो करने बैठ जाए, वो बंदा 3 घंटे ही वर्कआउट कर लेगा, बिकॉज उसके पास टाइम है, उसका वो काम है, बट हमारा वो काम नहीं है और ना ही है। तो ऐसे इंटेंसिटी भी देखी जाएगी यार, कि आप अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस के बेसिस पे देखेंगे अपनी इंटेंसिटी की, मुझे कितनी इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पहली बार जिम जा रहे हैं और आप चाहते हैं मैं ड्वेन जॉनसन जैसी बॉडी बनाऊँ, और हैवी वेट लिफ्ट किए जा रहे हैं, ज़्यादा वॉल्यूम के वर्कआउट कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली वो वर्कआउट प्लान आपके लिए काम नहीं करने वाला, आपको इंजरीज होंगी। और सेम बात रही फ्रीक्वेंसी की, जैसे कि टाइगर श्रॉफ जो है वो 7 दिन ट्रेन करते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ ऐसे होंगे, कुछ बॉडी बिल्डर्स ऐसे होंगे जो 5 दिन हफ्ते में ट्रेन कर रहे हैं। तो उसका मतलब यही नहीं है कि 7 दिन ट्रेन करना बेटर है या 5 दिन। आप अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से देखो आपके पास कितना टाइम है, और आप कितने दिनों तक वर्कआउट करेंगे और रिकवर हो सकते हैं थकान से, फिटीक से। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको अपने लाइफ को ध्यान में रखते हुए। इन शॉर्ट आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि आपका जो फेवरेट एथलीट, बॉडी बिल्डर कोई भी है, सेलिब्रिटी वगैरह, उसका वर्कआउट वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा, और फ्रीक्वेंसी वो अपने हिसाब से रखेगा, क्योंकि भाई उस बंदे का काम ही वही है, उसको करना ही वही है। तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहने वाला है वर्कआउट का, और उसको ट्रेनिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, वो इंटेंसिटी भी अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और गोल के हिसाब से रखेगा। तीसरा फ्रीक्वेंसी। तो ये सब अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से वो लोग रख रहे हैं, सेम केस हमारे ऊपर होगा। हमें अपने लाइफस्टाइल और गोल्स के अकॉर्डिंग देखना है, अपनी डेली लाइफ को कंसिडर करना है कि हाँ भाई अगर हम कोई वर्कआउट प्लान फॉलो कर रहे हैं, इतना ज़्यादा ना थक जाएं कि अपना स्कूल, कॉलेज और ऑफिस में भाई हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे। सेलिब्रिटी ही नहीं, किसी दूसरे बंदे का भी आप वर्कआउट प्लान फॉलो कर लेंगे तो वो भी कोई आपको काम नहीं आने वाला, क्योंकि उस बंदे का भी ट्रेनिंग एक्सपीरियंस अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, गोल्स अलग हैं, हर चीज़ अलग अलग है। और
ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जैसा सेम हो और सबके आपके जैसे गोल्स और लाइफस्टाइल हो। तो इन बातों का ध्यान रखिए कि वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी उतनी रखो कि वो आपकी लाइफ को नेगेटिवली इफेक्ट ना करे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा।